नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का साथ दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। स्मार्ट पुलिस के संबंध में दी जानकारी एसएसपी इटावा। सर्वोदय नगर डिवीजन केस्को में बिजली उपकरण चोरों का आतंक चालू। संविधान दिवस पर अपने सहयोगी व कर्मचारियों को संविधान की दिलाई शपथ। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ चला गिरफ्तारी का अभियान। ज्वाला प्रसाद पार्क का निरीक्षण किया गया। जनता सौगंध, जनता के लिए जनता द्वारा स्वच्छता का संकल्प। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 17 सूत्रीय मांगों का हुआ आह्वान। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया आह्वान। कलेक्ट्रेट कानपुर का निरीक्षण किया गया कानपुर कमिश्नर द्वारा। विस्तार से जनपद फतेहगढ़ संविधान के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर समस्त अधिकारी कर्मचारी ने मिलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एसएसपी इटावा द्वारा इटावा पुलिस स्मार्ट पुलिस के संबंध में दी जानकारी। साथ ही बताया कि क्षेत्र में सभी थानों व उच्च अधिकारियों को हाईटेक टेक्निकल के टैबलेट्स लिए गए ताकि अपराधों को बढ़ने से रोका जा सके। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा भी प्रदान की जा सके, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए अपराधों को कम करने की कोशिश लगातार जारी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एसएसपी महोदय। उत्तर प्रदेश पुलिस काफी हाईटेक जो टेक्नोलॉजी का यूज है उन सब में हम लोग करते आए हैं। बहुत सारी हमारी एप्स हैं, यूपी कॉप ऐप है, आईजीआरएस त्रिनेत्र, यूपी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है, 1090 ऐप है और S10 ऐप है। इन सारी एप्स का और उसके अलावा चालान वाली ऐप है, ये सब देकर हम लोग एक बहुत ही हाईटेक एडवांस्ड टैबलेट सभी अधिकारियों के लिए, सभी थाना प्रभारियों के लिए और सीसीटीवी कर्मियों के लिए हम लोगों ने ली है। इससे जो भी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का काम है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। महिला सुरक्षा पर स्पेशली मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारा ध्यान है, तो 1090 और महिलाओं की कंप्लेंट्स जो आईजीआरएस पर आती हैं उसको हम सेग्रीगेट करके अलग तरीके से हम प्रायोरिटी पर निस्तारण करके गुणवत्ता के आधार पर उस पर सुनिश्चित हम लोग करेंगे। सर, कॉमन मैन जिस तरह से आम आदमी टेक्नोलॉजी का यूज करे, तो ऐसी कौन सी ऐप है जिसको आसानी से यूज करें आप तक कंप्लेंट पहुंच सके? देखिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन करके एक ऐप है, यूपी कॉप ऐप, जिसमें अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। आप अपने गृह थाने के बारे में कोई भी परमिशन, किराएदार सत्यापन, नौकर सत्यापन, प्रोसेशन की रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं और पूरे प्रदेश के अधिकारियों के, थाना प्रभारी, सीओ, कप्तान, सबके नंबर उसमें उपलब्ध है। तो वो अनुरोध करूंगा कि सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और सुविधाओं का फायदा उठाएं। नगर डिवीजन केस्को में बिजली उपकरण चोरों का आतंक चालू। लाइन से बिजली ट्रांसफार्मर से दोबारा उपकरण गायब, एक महीने में पांचवी घटना। सोते रहे केस्को अधिकारी और चालू लाइन से दोबारा डीवी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट काट ले गए चोर। केस्को एमडी उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं। इनके कार्यकाल में उपकरण चोरों को फर्जी बिजली मीटर, माफियाओं को मिली खुली छूट। सबूत होने के बावजूद केस्को एमडी करते नहीं FIR। दो दिन में दो घटनाएं, एक महीने में पांचवी घटना। फर्जी बिल मीटर मामले में चर्चा में आए सर्वोदय नगर डिवीजन केस्को में एक बार फिर से और आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। नवीन नगर के स्वराज इंडिया स्कूल के पास लगे चालू मीटर बिजली ट्रांसफार्मर से दोबारा डीवी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट चोर काट ले गए। आज कानपुर नगर के जल संस्थान कर्मचारी यूनियन के महामंत्री श्री मोरध्वज वाल्मीकि जी के द्वारा संविधान दिवस पर अपने सहयोगी व कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। साथ ही बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान को पूर्ण निष्ठा से पालन करने का आग्रह किया गया। उसको पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कर्तव्य निष्ठा की संकल्प किया। कर्मचारियों में दिखा उत्साह। संविधान दिवस की ली शपथ कानपुर नगर के जल संस्थान में। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ
पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र भारत गणतंत्र और राज बनाने के लिए उसके उसके समस्त समस्त नागरिकों को सम्मानित सम्मानित आर्थिक आर्थिक राजनैतिक राजनैतिक न्याय न्याय विचार विचार अभिव्यक्त अभिव्यक्त विश्वास विश्वास धर्म धर्म और उपासना की स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्रति प्रति प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ और अवसर अवसर समता समता प्राप्त करने के लिए तथा उस पर व्यक्त की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान संप्रद में आज 26 नवंबर 1949 में निर्मित मार्गशीर्ष शुक्ला शताब्दी संवत 2000 बिक्री विकृत को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। जय जय। घूम रहे लोगों के खिलाफ चला गिरफ्तारी अभियान। बस स्टेशन और एसपी शिवहरी मीणा की अध्यक्षता में भारी पुलिस बल बिना मास्क के सवारी ले जाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ होगी कार्यवाही। पुलिस के अभियान से बिना मास्क के घूमने वाले लोगों में मचा हड़कंप। गिरफ्तारी, वाहन में बैठाए गए 2 दर्जन से अधिक लापरवाह लोग। बिना मास्क के दोबारा नहीं निकलेंगे घर से। हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, देख लीजिए। हम लोगों को भी बिना मास्क के हम लोगों को पनिशमेंट टाइप की मिल रही है, वो देखिएगा। और नेक्स्ट टाइम जो भी निकलिएगा मास्क लगा के निकलिएगा घर से। अपने जो गलती हुई है हम लोगों से, इसीलिए हम लोगों को इस टाइप से दिखाया जा रहा है। डमी समझ लीजिए हम लोगों को, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। डमी हो यार, असली हो कि डमी? अपने आप को बचा लिया। आयुक्त श्री अक्षय त्रिपाठी जी के द्वारा वार्ड नंबर 36 अजीतगंज का एवं ज्वाला प्रसाद पार्क का निरीक्षण किया गया। पार्क के अंदर प्राथमिक विद्यालय बुद्धपुरी नवीन 2 बागही का भी निरीक्षण हुआ। जनता की सौगंध, जनता के लिए जनता द्वारा स्वच्छता का संकल्प। आज दिनांक 26/11/2020 को वार्ड 14 के आदरणीय महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी एवं पार्षद श्री सुनील कनौजिया एवं मंडल अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी की अगुवाई में डुगडुगी बजाकर नागरिकों को साफ सफाई रखने की अपील की गई। चतुर्थश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ कानपुर नगर के तत्वाधान पर चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आह्वान 26 नवंबर 2020 को 25 करोड़ कामगारों द्वारा राष्ट्रव्यापी सार्वभौमिक हड़ताल और अखिल भारतीय बैंक हड़ताल रखी गई, जिसमें उन्होंने 17 सूत्रीय मांगों पर केंद्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित कामगारों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान किया, साथ में समर्थन भी किया। उनकी मांगे, बैंक के निजीकरण के उपाय रोके जाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को सुधार किया जाए, कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
ऋण चूक करताओं के साथ, ऋण चूक करताओं के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, विशाल को NPA वसूल करे आदि मांग रही। एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन जिंदाबाद, यूपी बैंक इंप्लाइज यूनियन जिंदाबाद, दुनिया के मेहनत कसों एक हो एक हो। सर सर, आज क्या कार्यक्रम है सर? हम लोगों का कोई आज बैंक की व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे पूरे देश की हड़ताल है जिसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। ये भारत सरकार की श्रम विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। आर्थिक सुधारों के नाम पर वो श्रम कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं जिससे पूरे देश का संगठित और असंगठित मजदूर सड़क पे आ गया है, और उनका प्लान यही है कि जितने भी राष्ट्रीय उपक्रम हैं पूरे देश के उनका निजीकरण कर दिया जाए, और वो कर्मचारियों को बंधक बनाने के प्रयास में है। जो देश का राष्ट्रीयकृत स्वरूप था, जो इंदिरा गांधी ने जैसे बैंक को राष्ट्रीयकृत किया था 1969 में जिससे पूरे देश में विकास हुआ था, आज वो चंद पूंजीपतियों को उन राष्ट्रीयकृत बैंकों को सौंपने की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों का मर्जर हुआ था जिसमें 12 बैंक बने थे, जिसमें 6 बैंकें विलय नहीं हुआ था, उनका अभी स्वतंत्र अस्तित्व था। यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, अब उन बैंकों को 6 जो बचे बैंक अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे लेकिन अब उनको प्राइवेट हाथों में देने की साजिश चल रही है। इनका लगभग प्रस्ताव पास हो चुका है, बहुत शीघ्र किसी पूंजीपतियों का नाम तय हो जाएगा और एक एक करके उनको सौंप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो साधारण जनता है जिसका पूरा देश का विकास कार्य हुआ राष्ट्रीयकृत से ही पूरे गांव-गांव तक जो बैंकिंग फैली, वो सब फिर रुक जाएगा, चंद गिने चुने लोगों के लिए बैंकिंग रह जाएगी, महंगी भी हो जाएगी। साधारण जनता जो जनधन योजना, नोटबंदी, तमाम ऐसी योजनाएं जो भारत सरकार ने सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा ही लागू की, आज उन्हीं कर्मचारियों के ऊपर जो शोषण कर रहे हैं और अपने स्वार्थवश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हम लोगों की कुर्बानी देना चाह रहे हैं। हम अपने ही नहीं लड़ रहे हैं, किसानों के लिए भी लड़ रहे हैं। अभी जो नया कृषि बिल पास हुआ है उसमें देखिए इनके मंत्री तक ने इस्तीफा दे दिया। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, कुछ प्रतिशत का नहीं, पूरा का पूरा। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और चूंकि पावर में है विपक्ष कमजोर है इसलिए हम लोग अपनी बात तो कहते रहेंगे और आखिरी दम तक देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, संगठित असंगठित मजदूरों के लिए हम लड़ाई अपनी जारी करेंगे, फिर कुछ भी हसरोस का। समस्याओं का समय पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में एक है। जन सामान्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यों का अनुश्रवण भी नियमित रूप से हर स्तर पर किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कानपुर का भी निरीक्षण किया गया कमिश्नर द्वारा। समाप्त होती है आज की मुख्य खबरें।